आज तिरंगा फहरता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली है आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। सीमा पर जवान जागते हैं तब जाकर हम अपने घरों में सुरक्षित सो पाते हैं। ये जवान देश की आन बान शान है, इनके लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं, तभी तो ये भारत माँ पर आज भी नहीं आने देते, यहां तक कि अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटते। इस देश की मिट्टी को वीर जवानों ने अपने खून से सींचा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसे ही एक वीर जवान वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि इस दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे सीमा पार जा गिरे, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद विंग कमांडर अभिनंदन ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। आज विशेष में हम बात करेंगे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन के साहस की, साथ ही पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के पूरे घटनाक्रम पर भी एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हमारे शूरवीर सैनिकों के शौर्य और साहस से हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहा है। ऐसे ही एक शूरवीर जाबाज हैं वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। अभिनंदन की बहादुरी को सलाम करते हुए उन्हें युद्धकाल के दौरान देश के तीसरे सबसे बड़े सैन्य वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी ऐलान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल देश की रक्षा में अदम्य साहस और शौर्य दिखाने वाले जांबाज सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। अभिनंदन ने इस साल फरवरी में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन ने 27 फरवरी को MiG-21 बिसन से पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करने के बाद एक विमान मार गिराया था। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे विमान से निकल गए थे और उसके बाद पाकिस्तान क्षेत्र में फंस गए थे। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन करीब 60 घंटों के बाद ही भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बाद पाकिस्तान को उन्हें छोड़ने पर विवश होना पड़ा था। जहां तक विंग कमांडर अभिनंदन का सवाल है, जो उन्होंने शौर्य दिखाया और जिस तरीके के, जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, अपने से ज़्यादा मजबूत और अपने से ज़्यादा अच्छे वेपन रहने वाले दुश्मन को मार गिराया, तो इसको रिकग्नाइज़ करना देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मैसेज देने वाला इवेंट है। और उनको वीर चक्र दिया जा रहा है, इससे अगर आप मुझसे सच में पूछिए, इस पर मैंने और पहले भी एक दो प्रोग्राम किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल सही ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सही संदेश भी दे रहे हैं। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल देने की घोषणा की गई है। मिंटी को यह सम्मान बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के दौरान दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। 27 फरवरी के दिन पाकिस्तान अपने विमान को लेकर भारतीय सीमा के नजदीक पहुंच गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलटों ने उनको भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया। उस दिन स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने फाइटर कंट्रोलर की भूमिका निभाई थी। वीर चक्र देश में युद्ध के समय दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। वरीयता में ये महावीर चक्र के बाद आता है। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यहाँ पर बहादुरी के पुरस्कार हैं जो दुश्मन के साथ युद्ध में दिए जाते हैं,
तो जो सबसे ऊंचे स्थल का है वो है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, और उसके बाद तीसरे स्थल पर है वीर चक्र, उसके बाद जो चौथा स्थल आता है वो नीचे है, वो फौज के लिए है सेना मेडल, नेवी के लिए है नौसेना मेडल, और एयरफोर्स के लिए है वायुसेना मेडल, और उसके बाद आर्मी चीफ्स की कमेंडेशंस आती है, या उसके बाद मेंशन एंड डिस्पैचेस आते हैं, उसके बाद आर्मी चीफ्स कमेंडेशंस आती हैं जिस जिसको भी उन्होंने देना है। आर्मी चीफ्स कमेंडेशन तो कई चीज़ों के लिए चले जाती है, लेकिन युद्ध के लिए इस प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं। फरवरी में विंग कमांडर ने जिस साहस का परिचय दिया था उसका हर कोई मुरीद हो गया था, वे देश के हीरो बन गए थे। अब एक बार फिर से विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 फाइटर प्लेन उड़ाते नजर आएंगे। एक मेडिकल बोर्ड ने उनके फ्लाइंग ड्यूटी पर लौटने का रास्ता साफ कर दिया है। IAF बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन को एक बार फिर फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए अभिनंदन को मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसमें वो पास हो गए। आने वाले दिनों में वे फाइटर प्लेन MiG-21 में उड़ान भरना शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय सीमा में हमला करने आए पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अदम्य साहस का परिचय दिया। हालांकि इस दौरान उनका मिग लड़ाकू विमान क्रैश हुआ और POK में जा गिरा। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन दुश्मन की कस्टडी में होने के बावजूद भी विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस साहस और फौजी जज्बे को दिखाया वो एक मिसाल बन गया। ये एक भारतीय फौजी का ही जज्बा हो सकता है कि वो दुश्मन के इलाके में उनसे घिरा हो और देशभक्ति के नारे लगाए। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की पराक्रम की कहानी ने साहस और शौर्य की नई गाथा लिख दी। 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के अंदर घुसे, तब भारतीय मिग विमानों ने उनका पीछा कर उन्हें उनकी सीमा में ही खदेड़ दिया। इस दौरान MiG-21 उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 का पीछा करते हुए POK में दाखिल हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया, लेकिन इस दौरान उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 विमान LOC से करीब 7 किलोमीटर दूर गिर गया। विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही विंग कमांडर पैराशूट के जरिए जमीन पर नीचे आ गए, हालांकि इस दौरान वो घायल हो गए थे। विंग कमांडर अभिनंदन जब जमीन पर उतरे तो उन्हें ये पता नहीं था कि वो भारत में है या POK में। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों को देखकर विंग कमांडर अभिनंदन ने पूछा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तब वहाँ मौजूद लोगों ने झूठ बोलते हुए कहा कि आप हिंदुस्तान में हैं। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने कहा, मुझे पीठ में चोट लगी है और पीने के लिए पानी चाहिए। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने नारा लगाया, भारत माता की जय। इसके जवाब में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान का नारा लगाया। इसके बाद विंग कमांडर को एहसास हो गया कि वो POK में पहुंच गए हैं। ये जानने के बावजूद भी अभिनंदन ने ना तो अपना साहस खोया और ना ही फौजी कर्तव्य भूले। विंग कमांडर अभिनंदन ने किया है, ये अपने तौर पर ही एक बहुत बहादुरी का मिसाल है। देखिए, वो MiG-21 में जा रहे थे, जो उनका फाइटर एयरक्राफ्ट था वो MiG-21 था, और जो दुश्मन के लड़ाकू वाहन थे वो F-16 थे, और दोनों में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क है। और उसका पीछे करना बगैर किसी डर से, बगैर किसी खौफ से, और छोड़ना नहीं, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा बहादुरी की बात है। वो पीछे लगे रहे और उन्होंने जाके उस विमान को गिरा दिया। जैसे ही विंग कमांडर को ये पता चला कि वो POK में हैं, तो उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए अपने पिस्तौल से फायर किया और करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ लगाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया और उन पर पत्थर भी चलाए। करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ने के बाद विंग कमांडर पानी में गिर गए। स्थानीय लोगों के पास पहुंचने पर उन्होंने दोबारा फायर किया। इस बीच उन्होंने अपने पास मौजूद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज फाड़ दिए, कुछ निगल गए और जो बचे हुए थे उन्हें पानी में डुबोकर खराब कर दिया। इन सब के बीच लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पहुंच गए और विंग कमांडर को अपने कब्जे में ले लिया।
विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना के दफ्तर ले जाया गया। पाकिस्तानी सेना ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान उनके हाथ पीछे की ओर बंधे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन दुश्मनों के बीच भी अभिनंदन शेर जैसे खड़े रहे और बिना किसी डर के पूरे हिम्मत से जवाब दिया। जब पाकिस्तानी सेना के लोगों ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। जब उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। उन्होंने अपना सर्विस नंबर भी बताया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जब उनसे भारतीय सेना और उनके मिशन से जुड़े सवाल किए तो अभिनंदन ने बड़ी बहादुरी से उन सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, बिना ये सोचे कि वो दुश्मन के कब्जे में हैं। इन्होंने क्या किया, इसमें एक और क्षमता की बात आई जिनको भी अभी पुरस्कार मिल रहा है। एक नीचे से फाइटर कंट्रोलर थी जिन्होंने इनको F-16 के पीछे लगाया, तो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको एक एडवांटेजियस पोजीशन दी कि F-16 आगे है, ये पीछे हैं। F-16 जो दस्ता आ रहा था उन्होंने ये कभी नहीं समझा कि MiG-21 उनको इंगेज कर लेगा। इन्होंने जब उसको इंगेज किया तो जैसे ही ये उनकी उस पर क्रॉस पड़ता है F-16 को मालूम पड़ जाता है, उनके पास सिस्टम होता है, पता चल जाता है। उससे पहले वो अपने आप को एंटी मिसाइल मेनोर में डालते, इन्होंने अपनी वो साहस और वीरता का परिचय दे बटन दबा दिया, R-73 मिसाइल गई और उसने उसको F-16 को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने विंग कमांडर अभिनंदन का चाय पीते हुए वीडियो भी जारी किया। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने जब उनसे पूछा कि उम्मीद है कि आपको चाय पसंद आई होगी, तो उन्होंने कहा आपका शुक्रिया। दुश्मन के इलाके में होने के बावजूद विंग कमांडर ने जिस अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया उसे भारत समेत पूरी दुनिया ने सलाम किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, जहाँ तक भारत का सवाल है, जो मोदी सरकार का सवाल है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि देखिए ये पायलट, इसके ऊपर हम सौदा नहीं करेंगे, आपने इसको डिक्लेयर किया है, अभी जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक इसको वापस करो। और क्योंकि भारत सरकार बिल्कुल इसमें अड़ी रही तो पाकिस्तान को वो मैसेज साफ चला गया कि देखिए यहाँ पर हम सौदेबाजी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते हैं भारत को कि अगर हम अभिनंदन को छोड़ देंगे तो हमको ये चाहिए। भारत ने कहा कोई इसमें डील वाली बात ही नहीं है, और पाकिस्तान को झुकने पड़ा। ये मैं समझता हूँ एक जो हमारी एक पॉलिटिकल जीत हुई है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार की जीत नहीं है, मैं समझता हूँ ये पूरे देश की जीत हुई। भारत सरकार के कड़े रुख और चौतरफा कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान को आखिरकार झुकना पड़ा और उसे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। पाकिस्तान में अपने पराक्रम का लोहा मनवाकर सकुशल 1 मार्च 2019 को जब विंग कमांडर भारत वापस लौटे तो पूरे देश में जोश और जुनून देखते बन रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन के स्वदेश आने पर पूरा देश खुशियों से झूम उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने की घटना पाकिस्तान द्वारा पुलवामा हमले को अंजाम देने और उसके जवाब में भारत द्वारा बालाकोट में पाकिस्तान के समर्थन से चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविर को तबाह करने के बाद हुई। दरअसल पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। आइए आपको बताते हैं पुलवामा और उसके बाद हुए बालाकोट के घटनाक्रम को। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान को जब तक उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाता है तब तक उसे समझ में नहीं आता, और 26 फरवरी को ठीक यही काम किया भारत के जाबाज सैनिकों ने। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को तड़के सीमा पार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर और ठिकाने को तबाह कर दिया। वायुसेना के इस बड़े हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक, शीर्ष कमांडर और जिहादी मारे गए। इस अभियान में मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी भी था, जो इस आतंकी प्रशिक्षण शिविर का अगुवाई कर रहा था।
इस हमले को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर पाकिस्तानी हिस्से में आतंकी शिविरों पर बम गिराए। मिराज जेट विमानों ने बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में स्थित आतंकी शिविरों पर बम गिराए और उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। ये आतंकी शिविर बालाकोट में घने जंगल में एक पहाड़ी पर था जो रिहायशी इलाकों से काफी दूर था। दरअसल बालाकोट पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनशेरा जिले में है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलवामा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जहां पर हमारे 40 से अधिक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो हमारे बहादुर जवान हैं वो एक बस में जा रहे थे। वो पूरी कॉन्वॉय जा रही थी श्रीनगर को, और ये कार जो थी जिसमें कार बॉम्ब लगाया था वो उस कॉन्वॉय में घुस गई ट्रक के साथ लग के, उसने अपने आप को उड़ा दिया और हमारे जवान शहीद हो गए। तो जैश ए मोहम्मद ने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमने की है। इसका जवाब भारत ने अगले कुछ दिनों में ही कर दिया था, अगले 10 दिनों के अंदर, कि जिन लोगों ने भी ये साजिश रची थी, जिस जो भी इस साजिश में बीच में आए थे, उन सबको ढूंढ करके चुन चुन के इनको ख़त्म कर दिया। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम हुआ कि ये लोग जो हैं बालाकोट में 200 से ऊपर लोग इकट्ठे हुए हैं, वो एक साजिश बना रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर एक और हमला करने का। तो उस वो जो हमला करने वाले थे उसको रोकने के लिए पहले से ही भारत ने कार्रवाई कर दी। बेशक दुश्मन इस बार जो टेररिस्ट इस बार जो थे वो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर छुपे हुए थे। दरअसल बालाकोट हमले से पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान के समर्थन से आतंकी हमला किया गया। सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश उबाल पर था। इस हमले को लेकर लोगों में गुस्सा और आक्रोश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा हमले के बाद कहा कि भारत सरकार इस दर्द को चुपचाप नहीं सहेगी और इस बार सबका पूरा हिसाब होगा। आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के रुख को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भरपूर समर्थन मिला। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सऊदी अरब, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत दुनिया के कई देशों ने पुलवामा में आतंकी हमले की निंदा की। इन देशों ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सभी 15 सदस्यों ने इस हमले को जघन्य और कायराना करार देते हुए भारत सरकार को समर्थन दिया। यूएनएससी ने अपने बयान में जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया कि आतंकवाद के ऐसे निंदनीय कृत्य के लिए जिम्मेदार साजिशकर्ता, फाइनेंसर और स्पॉन्सर को न्याय के दायरे में लाने की जरूरत है। भारत ने P5 के सदस्यों अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 25 देशों के राजदूतों को पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के ठोस सबूत दिए। तमाम देशों के साथ ही अमेरिका ने भी पुलवामा हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान को आतंकी संगठनों का पनाहगाह बनने से रोकने और पुलवामा हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। देखिए, पुलवामा में जो हमारे ऊपर अटैक हुआ, जो कायराना अटैक हुआ, जो सीआरपीएफ की चीज़ जा रही थी आपने आके उसमें किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंजीनियर कहाँ से था। ISI का इसमें साफ हाथ था और पाकिस्तान उसके लिए ज़िम्मेदार था।
अगर आप ऐसी घटनाओं का कोई जवाब नहीं देते हैं एज अ कंट्री, सो आपके बारे में जो सोचा जाएगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब कोई भी आएगा आपको मारेगा, आपकी फ़ौजों को मारेगा और चला जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ अपॉलोजी और इंटरनेशनल पर डिप्लोमेसी की बात करते रहेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इसका एक जवाब देना, सटीक जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जो दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों को भी ये जानकारी मिल रही थी कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती हमले करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए फिदायीन जिहादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। भविष्य के खतरे को देखते हुए सीमा पार के आतंकी ठिकाने पर कार्रवाई बेहद जरूरी थी। जैश ए मोहम्मद पिछले 2 दशक से पाकिस्तान में सक्रिय है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में है। जैश ए मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। ये गुट दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए हमले सहित कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभिनंदन वर्तमान, भारतीय वायुसेना का वो जामा सिपाही जिस पर देश को गर्व है, अभिनंदन को उनके अदम्य साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित करने का फैसला किया गया। अभिनंदन ने जिस जाबाजी के साथ पाकिस्तान की सरजमी पर दुश्मनों से लोहा लिया और जिस तरह से वो भारत लौटे, वो देश के लिए सुनहरे पलों में शुमार हो चुका है। आइए नजर डालते हैं अभिनंदन वर्तमान के जीवन पर। अभिनंदन वर्तमान भारतीय वायुसेना के वो जाबाज सिपाही हैं जिन पर पूरे देश को नाज है। अभिनंदन का जन्म 21 जून 1983 को तमिलनाडु में हुआ था और उनका परिवार तमिलनाडु के ताम्बरम का रहने वाला है, जो कि साउथ चेन्नई का एक रिहायशी इलाका है। अभिनंदन वर्तमान MiG-21 के एक पायलट हैं और इन्होंने 19 जून 2004 को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। अभिनव का खानदान ही सेना से जुड़ा रहा। पिता सिम्हाकुट्टी वर्तमान रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, जिन्हें 4000 घंटे की उड़ान भरने का अनुभव भी है। तो माँ शोभा पेशे से डॉक्टर हैं, जो कई युद्ध क्षेत्र में राहत कार्य में सेवा दे चुकी हैं। डॉक्टर शोभा विश्व स्तर पर मुफ्त में डॉक्टरी सेवाएं करने वाले स्वयंसेवकों में शामिल रही हैं। अभिनव की माँ शोभा MSF यानी मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स की सदस्य थी। अभिनव की पत्नी तन्वी मारवा भी स्क्वाड्रन लीडर रह चुकी है। अभिनव के दादा भी वायुसेना में थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। देश के लिए मर मिटने का जज्बा और संयमित होकर कठिन परिस्थितियों में युद्ध कौशल दिखाने की कला उनके खून में है। अभिनंदन का जन्म हुआ 63 में। उसके बाद में स्कूल गए सैनिक स्कूल में, जो चेन्नई के पास था, और उसके बाद में वो NDA में गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 1984 में वो फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे कमीशन हुए। उनकी मुख्य ट्रेनिंग हुई भटिंडा में, जो एक हवाई अड्डा एयरफोर्स का, और हलवारा जो एक एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। वो इनिशियली जो थे SU-30 के उड़ाते थे, जो एक बहुत अच्छा लड़ाका है, लेकिन जब विंग कमांडर बने तो उनको MiG-21 बाइसन के स्क्वाड में लगाया। और ये जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ में, जो स्टैंड ऑफ हुआ 26 को, हमने जब बालाकोट के ऊपर हमला किया, 27 तारीख को पाकिस्तान के 24 हवाई जहाज आए हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश की, उनके साथ मुकाबला करने वाले में से एक अभिनंदन थे। ये एक भारतीय फौजी का ही जज्बा हो सकता है कि वो दुश्मन के इलाके में उनसे घिरा हो और देशभक्ति के नारे लगाए। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का लड़ाकू विमान जब पाकिस्तानी वायुसेना के विमान F-16 को खदेड़ने और मार गिराने के दौरान क्षतिग्रस्त होकर POK में गिरा, तो स्थानीय लड़कों ने उन्हें घेर लिया। अभिनंदन ने पैराशूट के सहारे जमीन पर उतरते ही वहां मौजूद लोगों से पूछा था कि ये भारत है या पाकिस्तान। तब वहां मौजूद लड़कों ने उनसे झूठ बोला और कहा कि ये जगह भारत में है। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान में हैं। ये जानने के बावजूद भी अभिनंदन ने ना तो अपना साहस खोया और ना ही फौजी कर्तव्य भूले। वो तो फाइटर पायलट्स रहे और उनके फादर भी, उनके पिताजी भी फाइटर पायलट थे, एयर मार्शल थे, उन्होंने भी बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट थे। वो तो उनके
मेरे ख्याल से एक तरीके से उनके ब्लड में है, और उनके पिता भी बहुत ही यू नो अच्छे और बहुत उदारणीय किस्म के फाइटर पायलट थे। तो उन्होंने अपने पिता से उसको लिया था लेगेसी के फॉर्म में, और उन्होंने डिस्प्ले भी किया अपने पिता का, इस तरह से उन्होंने सम्मान और भी बढ़ाया। तो ये बात तो है ही है। और उनकी ट्रेनिंग जहाँ तक सवाल है, एक बार उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था कि ए गुड फाइटर पायलट इज़ द वन हु हैज़ बैड एटीट्यूड। तो उनका कहने का ये मतलब था कि अगर आप अच्छे फाइटर पायलट हैं तो आपको दुश्मन को मारना ही पड़ेगा, जो उन्होंने दिखाया। दरअसल भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान युद्ध की हर बारीकियों से बखूबी वाकिफ हैं। फाइटर पायलट के तौर पर साल 2004 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और पिछले 16 साल से भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 38 साल के अभिनंदन फिलहाल लड़ाकू विमान MiG-21 विमानों के स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाने का भी लंबा अनुभव है। अभिनव का पूरा परिवार फौज से जुड़ा हुआ है। उनके पिता एस वर्तमान भारतीय वायुसेना के अधिकारी रहे, वो एक एयर मार्शल के पद से रिटायर हुए हैं। उनके भाई भी वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यही नहीं, उनकी पत्नी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद पर काम कर चुकी हैं। उस परिवार में इस बात को लेकर के मुझे नहीं लगता किसी तरह की ऐसी बात होगी कि वो समझ ना सकें। जैसे अगर कोई सिविलियन बैकग्राउंड से आता है और इस सिचुएशन में फंसता है, उस परिवार में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्या ये हो रहा है। लेकिन अगर आप उसी तरीके के परिवार में हैं जहाँ आपकी पत्नी, आपके पिता और आपकी माता तो उसी वातावरण में रह चुकी हैं, तो उनको पता है कि अगर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो इस तरीके परिणाम आ सकते हैं। तो वो जो किसी माता पिता को जो कष्ट होता है, जिस तरह के उनके मन में प्रार्थना के भाव आता है, वो ज़रूर आएगा कि मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ जाए। लेकिन एक वीर माता, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस बात को एक डिफरेंट तरीके से अपने मन में लेती है। तो उनकी माँ एक वीर माता हैं, उनके पिता तो वीर थे ही। तो इस पूरे संदर्भ में अगर आप देखें, उनकी पत्नी भी उसी में आती हैं, तो उनके घर में जो वातावरण होगा वो एक अलग टाइप का होगा, जहाँ इस चीज़ की आप कहते हैं ना एक्सेप्टेंस होती है। विंग कमांडर अभिनंदन की शुरुआती शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बेंगलुरु में हुई। उच्च शिक्षा की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से पूरी की। अभिनंदन खड़कवासला के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रह चुके हैं। स्कूल के समय से ही अभिनंदन दिलेर और शांत स्वभाव के रहे हैं। दुश्मन देश में अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए अभिनंदन ने जो दिलेरी दिखाई है, उसका मुरीद पूरा देश बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।